थाना ताजगंज में दबंगों द्वारा घर में घुसकर महिलाओं और अन्य लोगों के साथ मारपीट की गई, जिसके बाद महिला का कहना है कि शिकायत के बाद भी थाना ताजगंज पुलिस ने मामले में कोई सुनवाई नहीं की, जहां पीड़िता द्वारा एसएसपी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा गया और कार्रवाई की मांग की गई। थाना ताजगंज में दबंगों के हौसले इस कदर बुलंद होते जा रहे हैं कि दबंगों द्वारा घर में घुसकर महिला और अन्य परिवारजनों के साथ मारपीट की गई, जिसके बाद मामले की सूचना पीड़ित द्वारा थाना ताजगंज पुलिस से की गई, लेकिन पुलिस द्वारा मामले की सुनवाई नहीं की गई, जिसके चलते पीड़ितों ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और न्याय की गुहार लगाई, जहां पीड़ितों का कहना है कि लाठी डंडों और धारदार हथियार से हमला करने वाले आरोपियों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। अब देखने वाली बात यह होगी कि कार्यवाही कब तक की जाती है। सर, हमारे साथ कोई इंसाफ नहीं हो रहा। हम ताजगंज थाने में रिपोर्ट कराई थी, वहाँ पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई सर। वहाँ मेरे घर में घुस के आदमी को मारा। मैं किराए पे रह रही थी सर, घर में घुस के आए थे बनवारी विष्णु बल्लो कन्हैया, इन लोगों ने डंडा से बहुत मारवे की बहुत कोशिश करी, जान से मरा हुआ समझ के छोड़ गए। हमसे ही बदतमीजी करी, बाल लाल खींचने लगे, साड़ी गाड़ी खींचने लगे। हम थाने चौकी गए, किसी ने हमारी कोई सुनवाई नहीं करी। हम 20 मार्च का केस है सर, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई न्याय नहीं मिला हमें। डीजी माजा न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।